हेलो बेटा, अज असी एक्सपैरीमेंटली परफॉर्म करना थ्योरिकल दसती थानू मैं कि असी प्रिपेयर करना अज प्रैक्टिकली करना वर्क लैब वर्क एक्सपैरीमेंट टू प्रिपेयर ए प्योर सैंपल ऑफ सोडियम ट्रेस ऑक्सलेटो फेरेट 3 दैट इज Na3 स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट Fe C2O4 thrice 9 H2O। बेटा चाहिए कि है फेरिकोलराइड 5 ग्राम, सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 जगह वे करना 4 ग्राम एंड 2 ग्राम, ऑक्सैलिक एसिड 6 ग्राम, इथाइल अल्कोहल एंड हॉट वाटर फॉर वॉशिंग, ये चाहिए। आज स्ट्रक्चर आ ऑक्टाहेड्रल, क्लीयर बेटा? इतने क्वेश्चन सानू आ सारी एक्सप्लेन करती सी, क्लीयर? हैलो बेटा, आप वेइंग मशीन ऑन कर ली, 0 ते सैट कर ली, तो आसी रखन लगे हाँ वॉच ग्लास, एम्प्टी वॉच ग्लास, एदा वेट तुसी नोट कर लो 32.730 ग्राम। क्लीयर बेटा? बेटा अच्छा, आप वेइंग कर ली है ना एम्प्टी वॉच ग्लास की 32.720 ग्राम, तो हूँ ये 5 ग्राम फेरिकोलराइड पा के 37.720 ग्राम हो जाएगा बेटा। हाँ बेटा, फेरिकोलराइड असी ये कितना पाना 5 ग्राम, मतलब 37.720 हो जाना चाहिए है, इनू वे कर लेना है 32.720 सी, हुण 37.720 हो जाना चाहिए। आ 37.720 हो गया, मतलब साढ़े को 5 ग्राम फेरिकोलराइड आ गया, क्लीयर? आ बेटा एनदर वॉच एम्प्टी वॉच ग्लास ली, उदा वेट नोट कर लो 42.850 ग्राम, ठीक है? एम्प्टी वॉच ग्लास का 42.850 ग्राम, ये ऑक्सैलिक एसिड 6 ग्राम लेना तो 48.850 चाहिए, ठीक है? 42.850 ग्राम एम्प्टी वॉच ग्लास है, ऑक्सैलिक एसिड पाओ, ठीक है जी? बेटा हम असं ऑक्सैलिक एसिड पा रहे हैं, ये 48.850 हो जाना चाहिए। हाँ बेटा आ गया 48.850, इसका मतलब साढ़े को 6 ग्राम आ गया ऑक्सैलिक एसिड, क्लीयर? बेटा एनदर वॉच एम्प्टी वॉच ग्लास ली, ए वेट नोट कर लिए 30.430 ग्राम, ठीक है? एम्प्टी वॉच ग्लास का 30.430 ग्राम, इस असी सोडियम हाइड्रोक्साइड 1-4 ग्राम लेना, फिर उस तो बाद 2 ग्राम लेना, ठीक है? क्लीयर? 30.430 ग्राम। बेटा हूँ असी लैन लगे 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, पैलेट्स होंगी बेटा देख लो पैलेट्स, क्लीयर? मतलब 34.430 हो जाना चाहिए बेटा। हाइग्रोस्कोपिक होंगे, हाइग्रो मीन्स मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेंदा, 34.430 बेटा, ये 34.430 ग्राम हाइग्रोस्कोपिक है, इमीडिएटली मॉइस्चर अब्जॉर्ब करके ये लिक्विड बनी जाना, तो इनू असं इमीडिएटली ट्रांसफर कर लगे हैं 1 वीकर के कर दो ट्रांसफर। ठीक है बेटा, हूँ इन्हों द्वारा आप एम्प्टी वॉच ग्लास का वेट लेना है, इनू साफ कर लो एक बारी, 30.440 ग्राम चेंज हो रहा ना, पहला 430 सीगा, हुण 30.30 द्वारा कर लें, 30.430 ग्राम एम्प्टी वॉच ग्लास का वेट है, हुण इहदे च 2 ग्राम पाना, इहदा मतलब 32.430 ग्राम आपां सोडियम हाइड्रोक्साइड, बहुत थोड़ा पाना 32.430 ग्राम, असी थोड़ा घट गया, ये 2 ग्राम हो गया साडा, ठीक है जी? बेटा असी एक मिनट, असी लिया 25 ml distilled water,
ठीक है जी। यू कहते हैं ग्रेजुएटेड सिलेंडर, यू असी ट्रांसफर किया सोडियम हाइड्रोक्साइड वाले जोड़ा 4 ग्राम लिता से उस ट्रांसफर करके यू आप हिला तो क्लीयर सल्यूशन बन जाना है। ठीक है जी, क्लीयर। एना तो वीक असी की लै लिया 25 ml डिस्टिल्ड वाटर, अगेन 1 मिनट इनू नहीं पाना, आई डिस्टिल्ड वाटर ले लिया। ये असी बेटा जड़ा है 5 ग्राम जो फैरिक क्लोराइड लिता वह पाना। 1 मिनट अपना हाथ उधर रखी रविंदर, ठीक है बेटा। ये पा के इनू भी हिलाना, यदा भी क्लीयर सल्यूशन असी प्रिपेयर कर लेना। इनू भी ग्लास रॉड ना आप यूज़ करना, ग्लास रॉड लियाने तो उस घोलते हैं, ठीक है। 1 मिनट ग्लास रॉड इधरों आप घोल रहे हैं की सीगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लीयर। फोर ग्राम नू घोलिया 25 ml डिस्टिल्ड वाटर, इधरों आ दिखाओ फैरिक क्लोराइड बिल्कुल क्लीयर बन गया जी, घुल गया। इधर असं अजा पैलेट्स घुल रही हैं थोड़िया जी, इन्हू घोलो ग्लास रॉड ना। हुण बेटा फैरिक क्लोराइड सल्यूशन च साडे कोल क्लीयर सल्यूशन आ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ये पाना ते अलोंग विद शेकिंग, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्यूशन पावांगे अलोंग विद शेकिंग, स्मॉल लॉट्स पाना। साडे कोल प्रेसिपिटेट आ देखो ब्राउन कलर दे प्रेसिपिटेट फैरिक हाइड्रोक्साइड दे आगे पाई जाओ, ठीक है। असी प्रेसिपिटेट नूं सैटल होण देना, ठीक है। इन्हां नूं असी फिल्टर करना आ इन द मीन वाइल बेटा, असी इनू प्रेसिपिटेट्स नूं फिल्टर करते हैं थ्रू बुकनर फनल यूजिंग सक्शन पंप एंड फिल्टर पेपर। सो बेटा ये साडे कोल प्रेसिपिटेट आ गए फैरिक हाइड्रोक्साइड दे, ठीक है। इनू आपां फिल्टर करना है, सानू प्रेसिपिटेट चाहिए आ, क्लीयर। 25 ml डिस्टिल्ड वाटर लेना है, तो ऑक्सैलिक एसिड असी कि लिता से 6 ग्राम इनू घोलना है, ठीक है जी। पाओ आ देखो डिस्टिल्ड वाटर के नाल असी इनू घोल लाँगे ऑक्सैलिक एसिड नू, और ये बेटा फिर असी सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 ग्राम पैलेट भी पाने हैं, और पा दो नाल ही तो साढ़े को सोडियम ऑक्सलेट आ जाऊगा, ठीक है। आह पैलेट पाते, ठीक है प्रॉपर। हाँ तो इनू आप हिलाना, एक क्लीयर सल्यूशन बन जाऊगा, साढ़े को सोडियम ऑक्सलेट आ जाऊगा। ग्लास रॉड आप एक एना यूज़ कर सकते, चलो आप इदा ही कर लेना इनू, क्लीयर। ये साढ़े को सोडियम ऑक्सलेट आ गया। हूँ असी फिल्टर पहला असी हूँ प्रेसीपरेट करने हैं बेटा, आ वाले प्रेसीपरेट ये फैरिक हाइड्रोक्साइड के बन गया थ्रू बुकनर फनल यूजिंग सक्शन पंप, क्लीयर बेटा। ये बुकनर फनल होंगी है, दिस इज बुकनर फनल अंडर सक्शन, ठीक है जी। आह टैप वाटर है, एक यदा इनलैट आ पानी आएगा, एक यदा आउटलैट आ पानी जड़ा नीचे जाएगा, असी टैप वाटर ऑन करांगे, क्लीयर। असी हॉट वाटर भी गर्म कर लिता, वो काला हो गया, ये अपा इथाइल अल्कोहल ले लिया फॉर वॉशिंग, क्लीयर। तो हुण असी फिल्टर पेपर लवेंगे, फिल्टर पेपर लैके उन्हू थोड़ा जहा इनू जड़ी है आप एजिज़ नू गिला कर लेना, पहला बुकनर फनल दी एजिज़ नू गिला कर लेना। आ देखो एजिज़ नू गिला कर लिया, फिर ये उपर फिल्टर पेपर रखना, असी फिल्टर पेपर रख के उन्हू सर्कल दी फॉर्म च कट लेना है, ठीक है। थानू बार बार दसिया, ठीक है। इतों असी इनू सर्कल दी फॉर्म च कटांगे तो फिर उन्हू उहदे विच रखांगे, ठीक है। आ देखो बेटा फिल्टर पेपर सर्कल दी फॉर्म च सी, इनू बड़े ध्यान ना रखना है, ठीक है, गिला भी ना होवे, नहीं तो फिल्टर पेपर ते फिल जो फिल्टरेट करना फिल्टरेशन करनी है तो नहीं रहेगा। ये पाओ इनू ऑन नहीं करना, पहला पहला असी इनू ट्रांसफर करना है, प्रेसिपिटेट्स नू ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है बेटा। आ ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर करता आलमोस्ट सारा, ठीक है। हूँ असी बर्नर बीकर ऑन करना है, बीकर कहता टैप वाटर ऑन करनी है, ऑन कर ली, ठीक है फुल। और फिर असी इहदे उपर हाथ रखना है पूरा इस तरह,
ठीक है, ताकि पूरा अंडर सक्शन जड़ा है, और देखो अंडर सक्शन जड़ा है फुल टैप बटन ऑन करनी है, पानी नीचे जा रहा है, फ्लश हो रहा, ठीक है, आउटलेट ना, ठीक है, नीचे जो जड़ा पानी भी निकल रहा, देख लो जड़ा रेजिड्यू रह जाएगा फिल्ट्रेट जड़ा, वो असी डिस्कार्ड करना है, वो इस फ्लास्क विच रह जाएगा। क्लियर बेटा, दिस इज फिल्ट्रेशन। बेटा देखो ड्राई हो गए प्रेसिपिटेट, आई मीन टू से प्रेसिपिटेट रेजिड्यू आ गया, इनू असी हुण उठा लेना है और इनू ट्रांसफर करांगे, इनू पावांगे ऑक्सैलिक एसिड वाले सोल्यूशन च। वेट करो, इनू असी थोड़ी जी इहदी वॉशिंग दे लईए, माड़ी जी अलकोहल पा लईए, हॉट वाटर रहन दिंदे आ, माड़ी जी अलकोहल, दिस इज अलकोहल, एथाइल अलकोहल, ते थोड़ा वो भी बस और थोड़ा वाटर भी पा लो, पर वो फट ना जाए, रहन दो, हॉट वाटर रहन दिंदे आ, ठीक है। हाथ फिर दोबारा उपर रख के मेरी वॉशिंग हो गई बेटा, बेटा देखो हम पूरी तरह ड्राई हो गया, इनू असी ट्रांसफर करना, माड़ा जहा हीट कर रही है असी सोडियम ऑक्सलेट वाले सोल्यूशन, इनू बंद कर दो, ठीक है, टैप बंद, तो असी जिहड़ा सोडियम ऑक्सलेट वाला सोल्यूशन दिखाया बीकर हाँ नेड़े करो बेटा, थोड़ा मिल्कीनैस वाला है छड़ दो, मिल्कीनैस है तो इनू थोड़ा जहा हीट कर लें कि हॉट हो जाए थोड़ा, फिर ये जे क्रिस्ट जे प्रेसिपिटेट ट्रांसफर करने, क्लीयर, थोड़ा जहा गर्म करना, हमेशा वायर जो भी ग्लास बेयर लेना, मैं बार बार कह रही हूँ ग्लास बेयर, तो आप वायर गॉज यूज़ करनी है, क्लीयर बेटा, ग्लास रॉड भी ले आओ नेड़े, है ना, और पई है वो, और चक लो बुकनर फनर बेटा, इन्हें थले उतार लिया, थोड़ा जहा गर्म हो गया, ये असी वायर गॉज ना सॉरी जो ग्लास रॉड ना हिलाओ इनू पहला, ठीक है, हूँ ये आप प्रेसिपिटेट जोड़े ट्रांसफर करने हैं अलोंग विद शेकिंग, ठीक है, काफ़ी सारा प्रोडक्ट सी फेरिक हाइड्रोक्साइड का, ठीक है, वो ट्रांसफर करना घोलना है असी, पहला ट्रांसफर कर लिए सारा, हम इन दिस वे असी ये पा लाँगे, फिर इन घोल लाँगे, ये हॉट सोल्यूशन होगा, इन फ्लूटेड फिल्टर पेपर ना फिर फिल्टर करना, फिल्ट्रेट जो सू चाहिए आ, ठीक है जी, रेजिड्यू असी डिस्कार्ड करना है, पर सीगा वो असी बिच ही रहता स्पैचुला एंड दी हेल्प ना असी इनू ट्रांसफर कर लिया, देखो ग्रीन कलर आ रहा है, इनू हम शेक करांगे तो ग्रीन कलर आ जाएगा बेटा, बाद में आएगा, घोल लाँगे इनू जिहड़ा प्रेसिपिटेट आ, तो बेटा हूँ ये जिहड़ा सोल्यूशन संबट हॉट आ, थोड़ा जहा हॉट आ, तो इनू थोड़ा माड़ा जहा हीट भी कर लेंगे, इनू फ्लेम तो रख दो, इन द मीन वाइल असी फिल्टर पेपर तैयार करना, फ्लूटेड फिल्टर पेपर और फनल यूज़ करनी है, ए आ जी हम आप दिस इज़ रोंग वे कि असी किद्दां रखना फनल इनू बुकना फनल नू इदा, ठीक है, हमेशा नहीं तो टूट जाएगी, क्लीयर, बहुत घट होंगे इन द मीन टाइम, एक मिनट फिल्टर पेपर ओपन करो पहला सारा, फिल्टर पेपर नू असी फ्लूटेड फिल्टर पेपर किद्दां बनाना, आल करो फोल्ड, एक फोल्ड, दो फोल्ड, फिर जिदा जैपनी फैन बनाते सी ना, जैपनीज़ फैन, हाँ दोनों पासे, फिर उधरों मोड़ी जाना, इनू फोल्स नू इदा दबाना, हाँ पॉइंट तक एंड तक चली जाना, हजे हाँ एंड तक चलना, क्योंकि फोल्ड्स हो जाएंगे ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाऊगी, फिर सानू पूरी एंड तक, फिर इनू पूरी तरह असी खोल देना, क्लीयर बेटा, ओपन इट, हाँ दिस इज़ द फ्लूटेड फिल्टर पेपर दैट इज़ यूज फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ इनू ओपन ही रखना है, इनू बंद नहीं करना, एंड दिस इज़ द फ्लूटेड फिल्टर पेपर एंड दैट इज़ यूज फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ हॉट सोल्यूशन, हॉट कोई भी सोल्यूशन है, ठीक है बेटा, इनू आप थले सानू फिल्ट्रेट चाहिए, चाइना डिश लै लो, एक होर ट्राइपड स्टैंड लै लो उल्टा, हाँ बेटा असी
ਇਹਦੇ 'ਚ ਚਾਈਨਾ ਡਿਸ਼ 'ਚ ਫਿਲਟਰੇਟ ਲੈਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਨਲ ਰੱਖ ਲਓ, ਹਾਂ ਫਨਲ ਔਰ ਟਾਈਪਰ ਸਟੈਂਡ 'ਚ ਫਨਲ ਰੱਖ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਗਰਮ ਗਰਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ, ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਫਟਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਬਰਨਰ ਨੂੰ, ਕਾਗਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਚੱਕੋ ਚੱਜ ਨਾ, ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਗਲਾਸ ਰੋਡ, ਵੀਕ ਤੋਂ ਫੜਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੀਕ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣਾ, ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖਣੀ। ਯੈਸ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਜਲਦੀ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਗ੍ਰੀਨ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਫਟ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪਾਓ ਪਾਓ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪਾ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਫਿਲਟਰ ਹੋਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਆ ਗਿਆ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆ ਗ੍ਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਊਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਟੀਅਰ ਆਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਲਣ ਦਾਂਗੇ, ਡਬਲ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਆਹ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਗ੍ਰੀਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਗ੍ਰੀਨ, ਪੈਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਾਸੀ ਗ੍ਰੀਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਲਰ ਬਰਾਊਨ ਆਇਆ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੀਅਰ ਆਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਫਲਿਊਟਡ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਰੱਖਤਾ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਸਲਿਊਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲਟਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਨਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗ੍ਰਾਸੀ ਗ੍ਰੀਨ, ਫਿਲਟਰੇਟ ਰੈਜੀਡਿਊ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰਤਾ। ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਹੀਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ। ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਾਸ ਰੋਡ ਨਾਲ ਹਿਲਾਈ ਗਏ ਉਹਨੂੰ, ਗਲਾਸ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿਲਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ 1/3 ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਏਅਰ ਗਲਾਸ ਰੋਡ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ ਇੱਕ ਪਰਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੋਲੀਡੀਫਾਈ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਏਅਰ ਬਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਨਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਹੀਟ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰੋ ਔਨ ਬਰਨਰ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, 20% ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੈਰਿਕ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਸਾਈਡ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਸੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਸੋਡੀਅਮ ਟ੍ਰਿਸ ਆਕਸਾਲੇਟੋ ਫੈਰੇਟਰੀ ਦੇ, ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ? ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੱਕਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਵਾਇਰ ਗੋਜ਼ ਰੱਖੀ ਆ, ਬਰਨਰ ਔਨ ਆ ਟ੍ਰਾਈਪੋਡ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨੂੰ ਹੀਟ ਹੋਣ ਦਾਂਗੇ ਅਪ ਟੂ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ। ਇੰਨਾ ਹਿਲਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ? ਗਲਾਸ ਰੋੜਨਾ ਕਲੀਅਰ, ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਕੋਨਸਨਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਫਲੇਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਆ? ਕੋਨਸਨਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ, ਠੀਕ ਆ? ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਗਲਾਸ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਬਲੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਏਅਰ ਬਲੋ ਕਰਕੇ ਕਿ ਡਰਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਣ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ ਬੇਟਾ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਲੋ ਕਰਨਾ। ਬਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਲਮੋਸਟ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਸੋਲੀਡੀਫਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸੋਲਿਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਨਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ? ਟੌਂਗ ਨਾ ਨੀਚੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਦਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਡਿਸ਼ ਆ, ਠੀਕ ਆ?
ताकि क्रिस्टल बन जाए प्रॉपर। इनू हुण थोड़ा जिहा नॉर्मल वाटर दे विच रखांगे, क्रैक भी ना होवे इह, ते फिर उस तो बाद असी टफ आह जिहड़ा बेटा टफ हुंदा ते इहदे विच टफ च पानी पा लिया तां वाटर टफ, ठीक है जी। दिस इज़ द टफ, इह हुण असी आइस पा ली ताकि क्रिस्टल जल्दी साडे कोल बन जाए। क्लीयर बेटा? हाँ, हुण असी इहदे विच पानी दे विच रख्या थोड़ा कि यह थोड़ा जिहा नॉर्मल टैंपरेचर पर आ जाए, तो फिर असी इनू इहदे विच ट्रांसफर करांगे, इहदे उपर रखांगे ताकि क्रिस्टल जल्दी बन जाए, तुहानूं असी डील्ड भी दिखा सकीए इस वीडियो विच। हैलो बेटा, हुण असी आइस टफ रखता इहनू, हुण देखते हैं कदों क्रिस्टल बनते हैं, फिर तुहानूं दिखानी है। मैं वीडियो फिर रोक रही हूँ इत्थे, देखो आइस टफ रखता ताकि क्रिस्टल बन जाए। हम क्रिस्टलाइजेशन में आप टाइम देंगे, ऊपर जोड़ा मदर लिक्विड रह जाएगा, नीचे जोड़े क्रिस्टल बन जूंगे, ब्रासी ग्रीन ऑफ सोडियम ट्रिसऑक्सलेटो फेरेट 3। हैलो बेटा, कि असी पहला हम एम्प्टी वॉच ग्लास में वे कर लगे हैं, ये नोट कर लो 30.450 ग्राम यदा वेट है, 30.450 ग्राम। क्लीयर बेटा? देखो क्रिस्टल बन गए, बड़े ध्यान ना देखो तो ग्रीन कलर दे, आ उपर मदर लिक्विड है पानी जड़ा, आ नीचे क्रिस्टल्स है बेटा, बड़े ध्यान ना देखोगे तो दीज आर क्रिस्टल। आप ज़्यादा देर रखांगे तो बेटा क्वांटिटी ज़्यादा बन जानी है, पर क्योंकि हेयर आप क्योंकि थानू करके दिखाना है ना, तो इस करके आ देखो क्रिस्टल बहुत सोहने बने हैं, अगर इनू ध्यान ना देखो, ठीक है, शाइनिंग क्रिस्टल ग्रीन कलर दे। तो इनू हुण असीं फिल्टर करन दे लई, एक मिनट फिल्टर करन दे लई की करना बेटा, कि आह आप रखिया ट्राईपड स्टैंड, उहदे विच लाई फनल ते आ फिल्टर पेपर, इनू चार फोल्ड आ दे करो फिल्टर पेपर, एक मिनट एक फोल्ड इधर नेड़े नेड़े फिल्टर पेपर है ना, एक फोल्ड फिर दो फोल्ड कर ले, एक मिनट दो फोल्ड छड़ दो, दो फोल्ड इहदे विच्चों एक फोल्ड बेटा एक पासे, तीन एक पासे, ठीक है। हुण इहदे विच असी इह मदर लिक्विड पाउणा, सानूं फिल्ट्रेट नहीं चाहीदा, सानूं रेजिड्यू चाहीदा, ठीक है जी। सो क्रिस्टल चाहीदे आ, सो ओबवियसली पकड़ लेंगे, ठीक है। इहनूं पहलां हाँ चलो, सानूं क्रिस्टल चाहिए बेटा, फिल्टर पेपर ते आ जाए बेटा, फिल्टर हो रहा, असी फिल्ट्रेट नहीं लैना, दिस इज़ मदर लिक्विड, इन्हू डिस्कार्ड करना, रेजिड्यू लेना बेटा। क्लीयर? ग्रीन कलर का जोड़ा बच्चा आ रहा बेटा, आ क्रिस्टल आए साढ़े को, आ देखो बहुत शाइनिंग क्रिस्टल, ठीक है, बट क्वांटिटी इज़ वेरी स्मॉल क्योंकि आप घट टाइम तक इनू कूल किया, तो इनू असी ट्रांसफर करना है वॉच ग्लास से जी वे की थी, ठीक है। बहुत मन्यूट क्वांटिटी है, और इनू हीट करांगे आप ओवन दे विच, ठीक है, फिर इनू वे कर लांगे। आ मदर लिक्विड मैं वैसे भी रख रही हूँ क्योंकि हजे क्रिस्टल नहीं बने सी, इहदे नाल एक होर एक्सपैरीमेंट कर सकते हैं, इनू असी मैं दोबारा रख रही हूँ आइस ट्रफ च कि होर क्रिस्टल बन जाए, इहदे नाल जे एक एक्सपैरीमेंट इहदा होर आ सोडियम ट्रिस ऑक्सलेटो फेरेट 3 दा, ठीक है। इन द मीन वाइल आ क्रिस्टल आप ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, आ ट्रांसफर आलमोस्ट हो गए, ठीक है। इनू हुण असी ड्राई होण नूं रख देना ओवन दे विच बेटा, आया क्रिस्टल देखो जरा ध्यान नाल, ठीक है, देना जरा इनू फुला लिए, दीज आर द क्रिस्टल्स, ठीक है, बहुत शाइनिंग ग्रीन क्रिस्टल। इनू हुण असी कच्च रखना है ओवन च ड्राई होण लई, बेटा रखता ओवन दे विच, ठीक है, ड्राई होने लई 10 मिनट लई रख लें, ठीक है, सैट करता है टैंपरेचर। अब बेटा असी हुण कढ़न लगे हाँ ताकि थानू रीडिंग दिखा सकी, ज़्यादा गर्म तो नहीं है? नहीं ना, आ देखो क्रिस्टल्स, इन्हों असी हुण रखन लगे हाँ क्योंकि बहुता गर्म नहीं हैगा, तो असी इनू एज इट इज़ वे करन लगे हाँ,
तीसरा क्रिस्टल बेटा बहुत थोड़े बने हैं, मे बी मैं जो बाकी लिक्विड लिखे मदर लिक्विड उन्होंने ठंडा होना मे बी वो तो क्रिस्टल बने तो कल दोबारा दिखावे। पर रीडिंग पूरी एक्सपैरीमेंट मेरा मकसद से पूरा हो जाए अज तो यदि रीडिंग आ 30.950 35 पॉइंट हाँ देखो शाइनिंग क्रिस्टल ग्रीन कलर से 30.950 ग्राम ये साडा एक्सपैरीमेंट पूरा ये माइनस कर दोगे एम टी वॉच ग्लास का वेट तो वो यील्ड आ जाएगी सोडियम ट्रिस ऑक्सलेटो फेरेट 3 की। क्लीयर बेटा?